तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ विकेट एक्टिव में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास रियलमी 9 मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर नया अपडेट आ चुका है, तो जो अपडेट है उसी के बारे में आज हम करेंगे बात कि क्या अपडेट है, क्या नया अपडेट आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद सिंपली सबसे नीचे जो है स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो अबाउट योर अबाउट डिवाइस का सेक्शन है इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद सिंपली जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू वर्जन अवेलेबल, तो न्यू वर्जन अवेलेबल आपका जो है ये हो चुका है, नया वर्जन आपका जो आ चुका है। देख सकते हैं क्या आएगा, न्यू वर्जन आपका अवेलेबल हो चुका है, Realme UI 3 अवेलेबल अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, 640 MB का है। तो Realme UI 3.0 है, Android 12 है, आपको ये पूरा सेक्शन बता दिया गया है। इसके बाद फिर और अबाउट द वर्जन, दिस वर्जन, इस वर्जन के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले देख सकते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइज और स्टेबल हो जाएगा, इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस। कैमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, ऑप्टिमाइज रियर कैमरा, वीडियो फोकस जो है आपका वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बैकलाइट एंड नाइट स्क्रीन फोटो क्लियरिटी आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। फिर ऑप्टिमाइज द रियर कैमरा, आपका जो रियर कैमरा है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, 180 एम का जो कैमरा है वो, और साथ ही साथ आपका जो थंबनेल लोडिंग का जो जूमिंग इमेज फंक्शंस है वो भी आपके अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, लोडिंग होती थी वो कम होगी। ऑप्टिमाइज द वीडियो स्टेबिलिटी फंक्शन एंड फ्रंट कैमरा एंड ब्राइटनेस टू HDR मोड फोटो क्लियर कैमरा, तो आपका जो ऑप्टिमाइज हो जाएगा जो वीडियो की स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और ब्राइटनेस का जो सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा HDR मोड पे जो फोटो रियर कैमरा के फोटो आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे। ऑप्टिमाइज द कलर इफेक्ट ऑफ द फ्रंट एंड रियर कैमरा वाइड एंगल, आपको कलर इफेक्ट के साथ रियर कैमरा वाइड एंगल के साथ आपको ये जो है फोटो देखने को मिलेंगे, और आपके जो कलर है वो सबसे मेन चीज़ मस्ट नो। आप जब अपडेट करें तो आपका जो भी डेटा है उसे सेव कर लें, क्योंकि इसका डेटा भी उड़ सकता है, ये इसमें पहले ही बताया गया है। और फिर अपडेट जो पैक है उसे डिलीट ना करें आफ्टर इंस्टॉल, इंस्टॉल के बाद डिलीट ना करें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का है आपका जो अपडेट का सेक्शन, हम इसे फटाफट कर लेते हैं अपडेट, अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अगली वीडियो में जो भी इसके अपडेट के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, जस्ट थोड़ा सा वेट, ये अपडेट हो जाता है उसके बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो डाउनलोडिंग है वो लगभग हो चुकी है कंप्लीट, जो अभी 0% हुआ है ये धीरे धीरे एक्सट्रीट होगा, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। सिंपली एक्सट्रीट होने के बाद अब ये फाइनली वेरीफाई हो रहा है, देखते हैं फटाफट वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन जो आता है। तो सिंपली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो चुका है। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको जो ये नीचे जो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिया गया है सिंपली कर देना है इस पर क्लिक। क्लिक करते से ही आपका जो इंस्टॉलेशन है Realme UI 3.0 ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया है, जस्ट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है ये हो चुका है बंद। ये थोड़ी सी प्रोसेस होगी, इसके बाद आपका फ़ोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा वापस, तो देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है ये हो चुका है ऑन, Realme के लोगो पावर्ड बाय एंड्रॉइड के साथ। अब देखते हैं क्या प्रोसेस इसमें अप्लाई होती है। सिंपली जो आपका जो फ़ोन है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक हम इसका कर लेते हैं वेट। जब तक आप वेट कर रहे हैं तब तक वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल को आपको मिलती रहती हैं। देख सकते हैं Realme के साइन के साथ सिंपली जो आपका जो इंस्टॉलेशन है, जो वेरीफिकेशन है वो लगभग हो चुका था कंप्लीट। अब डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे आ चुकी है जो प्रोसेस है, और सिंपली जो Realme का साइन है वो आ चुका है। थोड़ा सा और वेट लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में, क्योंकि ये पहली बार अपडेट हो रहा है ये फ़ोन, है ना, तो फर्स्ट टाइम अपडेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हर बार अपडेट में तो हमेशा थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है क्योंकि इंस्टॉलेशन चलती है, तो वेट कर लेना है। सिंपली देख सकते हैं जो हमारा जो फ़ोन है वो फाइनली हो चुका है अपडेट, तो हमने सिंपली पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये हो चुका है अपडेट पूरी तरीके से। देख लेते हैं कैसा क्या, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तो चल ही रहा है, बाकी फ़ोन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है अभी भी, और पहले भी था, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया इसमें। सिंपली देख सकते हैं स्क्रीन का जो ऑप्शन है ये कुछ चेंजेस हो गए हैं न्यू, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, तो सॉफ्टवेयर देख सकते हैं अपडेट हो चुका है, ये आपको लिस्ट का ऑप्शन भी दे रहा है, कुछ आपको इंटरफेस में चेंजेस आ जाएंगे। देख सकते हैं इसमें सर्च का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन पहले नहीं था,
वो ऐड हो चुका है। और साथ ही साथ अब इसके बाद फिर सिंपली सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद देख सकते हैं क्या है। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में आने के बाद आपका अबाउट सेक्शन में, फिर अपडेट, अप टू डेट, आपका जो फ़ोन है ये पूरी तरीके से अपडेटेड। तो अपडेट जो ये चेक कर रहा है, जस्ट थोड़ा सा वेट, देख सकते हैं आपका जो अपडेट ये हो चुका है कंप्लीट। और अपडेट के बाद देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके फ़ोन्स में। सबसे पहले जो मेनली जो आपका जो ये वाला इंटरफेस है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आ गया है इसमें, बाकी ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं। बाकी स्लाइडिंग का ऑप्शन वही है। बाकी कैमरे के अंदर भी चेंजेस आए हैं, तो उसके बाद में हम इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर हम करेंगे बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।